नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। जैसे जैसे सीतापुर में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्वारंटाइन सेंटरों में अव्यवस्थाएं भी बढ़ती जा रही हैं। एमजे गोल्डन पैलेस खैराबाद में भर्ती कोरोना के मरीजों ने जो वीडियो वायरल किए हैं, उसमें अव्यवस्थाएं साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। मरीज गुहार लगा रहे हैं कि वह कोरोना से भले न मरे लेकिन भूख से ज़रूर मर जाएंगे। ना तो उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और ना ही उन्हें खाना पानी दिया जा रहा है। वायरल वीडियो में अस्पताल के बरामदगे में गंदगी से भरी रखी डस्टबिन दिख रही है। दवा की कौन कहे, मरीज गर्म पानी तक न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। वायरल वीडियो की आई इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की तंद्रा टूटी। डीएम अखिलेश तिवारी, सीडीओ संदीप कुमार, एडीएम विनय कुमार पाठक, सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा व एसडीएम सदर अमित कुमार भट्ट ने एमजे गोल्डन पैलेस और एल1 अस्पताल का निरीक्षण किया। सीतापुर जिले में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 34 मरीज मिले हैं, जिनमें 19 मरीज एटीसी के हैं। डायल 112 के 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 2 स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की गिरफ्त में आ गए हैं। रामपुर मथुरा थाने में 2, पुलिस लाइन में तैनात 1 दारोगा, आवास विकास में 3 और आर्यनगर में 1 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बहम में न रहें कि आप फिट हैं और कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। नियमित व्यायाम करने व अच्छी डाइट मिलने के बावजूद एटीसी के 19 ट्रेनी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले भी एटीसी के 4 ट्रेनी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनके संपर्क में यह 19 ट्रेनी आए थे। एटीसी में लगभग 550 ट्रेनी हैं। पॉजिटिव पाए जाने के बाद डीएम एसपी ने एटीसी में बनी बैरकों का निरीक्षण किया। सावधान हो जाइए, सीतापुर में कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेडिंग शुरू हो गई है। एटीसी व विकास भवन में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तक एटीसी के कुल 23 ट्रेनी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं विकास भवन में डीपीआरओ सहित 8 कर्मचारी महामारी की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब तक कई पुलिसकर्मी और बैंक कर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सीतापुर जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 70 वर्षीय कृष्ण कुमार की मौत हो गई। मृतक बेनीगंज हरदोई का निवासी था। मरीज जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। वार्ड को फिलहाल अगले 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सीतापुर में कोरोना मरीज की पूर्व में 1 मौत हो चुकी है। सीतापुर में कोरोना के 1 मरीज की पूर्व में भी मौत हो चुकी है। हॉट स्पॉट मिश्री कस्बे से 14 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने बताया कि धर्मशाला चौराहा के पास हॉट स्पॉट बनाया गया है, जिसके बाद सीएससी अधीक्षक ने जनमानस से अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, ऐसे में 2 गज दूरी और मास्क जरूरी के सिद्धांत पर अमल करना जरूरी है। सीतापुर के गांजरी क्षेत्र में शारदा व घाघरा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जलस्तर घटने से कटान तेज हो गया है। तहसील महमूदाबाद के अंगरौरा गांव में राकेश, मनसाराम व सुरेश का आशियाना घाघरा में समा गया है। इसी गांव के संतु, राम मनोहर, सहज राम, रविशंकर व ज्ञानेंद्र के खेत घाघरा काट रही है। तहसील महमूदाबाद के गांव सुंदरपुर, टपरा, महाजनपुर, नगेसरपुर, बिशुनपुर, कल्याणपुर, रामरूपपुर व छोटे पुरवा के सैकड़ों किसानों की खरीफ की फसलें बाढ़ में बर्बाद हो गई हैं। घाघरा खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर दूर है। ज़रूरत पड़ने पर रोटी गोदाम स्थित
क्वारंटीन सेंटर को L1 अस्पताल बनाया जा सकता है। इसकी जानकारी डीएम ने रविवार को सेंटर के निरीक्षण के दौरान दी। डीएम ने बताया कि सेंटर में 130 बेड हैं। फिलहाल यहां जांच के लिए कोरोना संदिग्धों को रखा जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर सेंटर को L1 अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। स्वच्छता के नाम पर शनिवार को जेल रोड के किनारे झोपड़पट्टी बनाकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे गरीबों को उजाड़ दिया गया। सूत्रों की माने तो जनपद की नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस के दौरे को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पिछले दौरे में नोडल अधिकारी ने शहर को पूरी तरह से गंदगी मुक्त करने का निर्देश दिया था। झोपड़पट्टी के किनारे गंदगी थी, वहीं दूसरी ओर जेल के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से यह अतिक्रमण हटाया जाना बताया जा रहा है। आप सभी को अपराधियों पर लगाम लगानी है, लेकिन किसी बेकसूर को जेल नहीं भेजना है। महकमे की फजीहत मत कराइए। कुछ इस तरह से ही अपराध समीक्षा में एसपी आरपी सिंह ने अपने मातहतों को फटकार लगाई। हर बिंदु पर जब समीक्षा हुई तो सभी थाना अध्यक्षों द्वारा की गई लापरवाही की पोल खुल गई। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक चली बैठक में 20 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें खैराबाद, सदना, बिस्वा, मानपुर, तंबौर समेत सभी थाना अध्यक्षों से काटे गए चालानों का शुल्क जमा कराने, बीट आरक्षियों को बीट बुक बनाने, संवाद दिवस आयोजित कराने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, अपराधियों पर लगाम लगाने का निर्देश दिया गया। सदना थानाध्यक्ष संजय पांडे द्वारा एक युवक को फर्जी बाइक चोरी में जेल भेजने की कार्रवाई से एसपी खासा नाराज दिखे। जन सुनवाई में खराब प्रदर्शन करने वाले महोली मिश्रिक, इमलिया सुल्तानपुर और शहर कोतवाल को भी लताड़ा गया। एसपी ने कहा कि जिन मामलों में थाने पर ही समाधान हो सकता है, उसे मुख्यालय आने की जरूरत ही क्यों आती है। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। घास काटने के लिए गया एक किशोर सर्प दंश का शिकार हो गया। थान गांव के गांव कोदौरा निवासी 16 वर्षीय किशोर अशोक चतुर्वेदी घास काटने गया था, जहां वह सर्प दंश का शिकार हो गया। परिजनों को लाश मिलने के बाद उन्होंने बिना पुलिस को सूचना किए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सदना थाना क्षेत्र में चोरों का तांडव जारी है। बीते 2 महीने में लगभग 4 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं, जिनमें से एक का भी खुलासा पुलिस नहीं कर सकी है। शनिवार रात्रि चोरों ने गोपालपुर पश्चिमी निवासी कमलेश के घर को निशाना बनाकर सेंध लगाते हुए घर में प्रवेश किया और 35,000 की नकदी समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिला कारागार में बंदी भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बंदियों द्वारा की गई खेती से जेल प्रशासन को लाखों का मुनाफा हुआ है। 14 एकड़ में की गई खेती से 45 लाख की आमदनी हुई है, जिसमें 10 लाख से अधिक की रकम खर्च कर सब्जियों की बुआई कराई गई थी, जो कि बाजार में 56 लाख रुपए की बिकी है। शहर की ऐतिहासिक विरासत, जो कि बीते कई वर्षों से बदहाल पड़ी थी, आखिरकार सामाजिक संस्था सजीवन के सहयोग से फिर से जीवंत हो उठी है। शहर के घंटाघर का वक्त एक बार फिर बदल गया है और सुइयां टिक टिक राहगीरों को सही समय बताने लगी हैं। थाना खैराबाद के गांव सोहरिया निवासी 35 वर्षीय प्रकाश का शव घर के कमरे में लटकता मिला। मृतक के भाई ने आत्महत्या की बात कही है। थाना अध्यक्ष अजय यादव ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस महकमे में कोरोना की दस्तक होने के बाद रविवार को एसपी आवास का सैनिटाइजेशन कराया गया। आवास पर स्थित कैंप कार्यालयों और समस्त गाड़ियों को भी
सैनिटाइज किया गया। जल्द ही प्रवासी श्रमिकों व बेरोजगारों को रोजगार का तोहफा मिलने वाला है। सेवायोजन विभाग ने सरकारी और निजी संस्थाओं को लिंक भेजकर सूचनाएं मांग ली हैं। बता दें कि सीएम योगी प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर बेहद संजीदा हैं। सीतापुर की 11 नगर निकायों के पेंशनरों को पेंशन के लिए कार्यालयों की गणेश परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। पेंशन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। जीवित प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन दाखिल हो जाएगा। नाग पंचमी की शाम चक्रतीर्थ पर विराजित बाबा भूतेश्वर नाथ के पुजारी राजनारायण पांडे ने भव्य श्रृंगार किया। स्थानीय लोगों ने एक एक करके भोलेनाथ के दर्शन किए। छठा देखते ही बन रही थी, बाकी लॉकडाउन के चलते तीर्थ नगरी में सन्नाटा रहा। पहला ब्लॉक प्रमुख रामलाल यादव के बेटे अरुणेश को 29 मई को लखनऊ पुलिस ने डकैती के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। रामलाल यादव ने पुलिसिया कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। बयान जारी करके उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके बेटे को फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया था। इसे सिद्ध करने के लिए उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। जरूरत पड़ने पर वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सीतापुर के गांव शाहजलालपुर में स्वच्छता अभियान को स्थानीय जनप्रतिनिधि और कर्मचारी कैसे पलीता लगा रहे हैं, इसका नमूना कस्बा की आर्यावत ग्रामीण बैंक के सामने लगा कूड़ादान बयां कर रहा है। सुभाष मिश्र, शैलेश आदि ने बताया कि सफाई कर्मचारी के महीनों दर्शन नहीं होते हैं। गंदगी होने के चलते गांव में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। कच्ची शराब के व्यवसाय में चर्चित गांव जमलापुर में ग्रामीण व प्रधान पक्ष आपस में भिड़ गए। ग्राम प्रधान राम गुलाम का कहना है कि कुछ ग्रामीण चुनावी रंजिश की भड़ास निकालने के लिए माहौल खराब कर रहे हैं, तो ग्रामीण मौजूदा प्रधान के संरक्षण में ही कच्ची शराब का धंधा चलाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। घटना की सूचना पर आबकारी इंस्पेक्टर अरुण यादव व थाना प्रभारी मानपुर धर्म प्रकाश शुक्ला व उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। संयुक्त टीम ने जमकर तलाशी ली। कच्ची शराब निर्माताओं के घरों से भारी मात्रा में मिले लहन को नष्ट करा दिया। एक महिला कारोबारी श्यामा पत्नी श्यामू को पुलिस ने कच्ची शराब के साथ हिरासत में लिया है, जबकि पूरन पुत्र भगवान दीन फरार हो गया है। प्रधान पुत्र कृष्णाकांत उर्फ पिंटू ने विकास, अमित, राहुल व प्रीतम के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी है। ग्रामीणों की माने तो ग्राम प्रधान द्वारा अब मामले को चुनावी रंग दिया जा रहा है। लहरपुर ब्लॉक के ग्राम जलुहापुर के ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र भेजकर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण गांव के नजदीक कराए जाने की मांग की है। राजकुमार, केशवराम, कामता, बेचेलाल, अंगने, मिश्रीलाल, भगवान दीन, छोटेलाल, जयदेवी, फूलमती व शिवकुमारी ने बताया कि सार्वजनिक शौचालय को गांव से दूर बनवाने से ग्रामीणों को फायदा नहीं मिलेगा और शौचालय निष्प्रयोज्य हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस पर कीड़ा भारतीय अवध प्रांत के सदस्यों ने शहीद स्तंभ स्थित वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारत माता के जयकारे लगे। कार्यक्रम में सुनील सिंह, आशीष कश्यप, अभिषेक वर्मा, हिमांशु सिंह, शिवपाल बघेल आदि मौजूद रहे। हरगांव थाना क्षेत्र से एक छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर एक साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हरगांव के इलाके गंज निवासी सुधीर पुत्र ओम प्रकाश ने पीड़िता के साथ एक साल तक दुष्कर्म किया और गर्भवती होने के बाद दवा खिलाकर गर्भपात भी करा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आरपी सिंह खुद मौके पर पहुंचे और पीड़िता से पूछताछ की तथा मामले में केस दर्ज कर आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया। लहरपुर कोतवाल ओपी राय की टीम ने
महेश यादव निवासी ग्राम मझरी कारिंदा को डंडपुरवा की तरफ से तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जो कि टॉप 10 लिस्टेड अपराधी है, जिस पर गैंगस्टर सहित 11 मुकदमे दर्ज हैं। महेश को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। यह था अब तक का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।